बट मैं ये टीवी रिकमेंड नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस आप टीसीएल के फैन हो। दोस्तों TCL जो एक चाइनीज ब्रांड है उसने कोलैबोरेट किया है गूगल के साथ और यहाँ पे एक नई टीवी सीरीज लॉन्च की है और उसका नाम दिया है P725 सीरीज और यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या है उसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक इंडियन कस्टमर के लिए क्या ये आपको टीवी खरीदनी चाहिए या नहीं, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटना शुरू, बात करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पे बात करें TCL के P725 टीवी सीरीज के बारे में, तो यहाँ पे उन्होंने चार वेरिएंट लॉन्च किए हैं और वो वेरिएंट स्टार्ट होते 43 से 50, 55 और 65, ये चार वेरिएंट में आपको ये सीरीज में टीवी देखने मिलने वाली है। और यहाँ पे बात करें एक इंडियन कंज्यूमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टीवी की प्राइसिंग, और टीवी की प्राइसिंग अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको लगेगा भाई कि इतनी ज्यादा प्राइस, मतलब मैं प्राइस देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो एक TCL एक बजट ब्रांड है और बजट ब्रांड होने के नाते आपको थोड़ा सा आप प्राइसिंग पे ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग मुझे बहुत ही ज्यादा हाई लगी। और अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या इसे लेना चाहिए, आई मीन इस टीवी को, वो अब देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग को एक झलक डालनी होगी इस टीवी के स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको सभी वेरिएंट में 4K का रेजोल्यूशन दिया गया है, HDR10 और डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस को ये टीवी सपोर्ट करती है। इसी के साथ ही साथ MEMC का भी सपोर्ट दिया गया है। ऐसा TCL का कहना है कि आपको जो एक्शन सीन्स होते हैं या फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं जब आप टीवी देख रहे हो तो उस समय ब्लर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे MEMC का चिप भी लगाया गया है इस टीवी में। और जहां तक सवाल है टीवी के साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 24 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है। इसी के साथ ही साथ मैंने जैसा कहा कि यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा। जहां तक सवाल है टीवी के रिफ्रेश रेट के बारे में, तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और वॉइस एनेबल फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा, डेडिकेटेड कीज दिए गए रिमोट में हॉट कीज के, जैसे नेटफ्लिक्स का दे दिया गया है और भी एक दो कीज दिए गए, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी के साथ ही साथ जितने भी पॉपुलर कंटेंट प्रोवाइडर है इस टीवी में आपको प्रीइंस्टॉल देखने मिलने वाले, और ये सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी है और यहाँ पे एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें टीवी के कनेक्टिविटी ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिलने वाले, उसमें से एक पोर्ट तो है HDMI ERC पोर्ट है, और यहाँ पे जो HDMI का जो कंप्लाइंट वर्जन है वो 2.1 दिया गया है। इसका मतलब है कि आप PlayStation वगैरह कनेक्ट कर सकते हो PS5 वाले, लेकिन यहाँ पे आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट और ऑटो लो लेटेंसी मोड नहीं दिया गया है। इनपुट लैग भी कितना है वो चीज अभी तक एक स्पेसिफाई नहीं की है TCL ने। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे बात करें कुछ हाइलाइट्स के बारे में जो TCL ने इस साल नया लाया है उनकी टीवी सीरीज में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको इस टीवी में वेबकैम या फिर वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है इस टीवी में, जहां पे आपको एक अटैच्ड या फिर बोलते हैं ना डी अटैच करने वाला एक वेबकैम मिलेगा जिसके थ्रू आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, और ये वीडियो कॉल आप गूगल डुओ के थ्रू भी कर सकते हो। और यहां पे आप एक साथ ग्रुप में तकरीबन 32 मेंबर्स एक साथ में ज्वाइन होकर इस कॉल का मजा ले सकते हो। दूसरी हाईलाइट होगी इस टीवी की, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 वर्जन देखने को मिलने वाला है। ये 2021 की पहली टीवी होगी जहाँ पे आपको तो ये जो एंड्रॉइड का वर्जन 11 आपको देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो गूगल असिस्टेंट का जो वॉइस फीचर है वो भी अपग्रेड किया गया है 2.0 वाला, तो यहाँ पे भी आपको एक बोलते ना थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा वॉइस सर्च के मामले में। इसी के साथ ही साथ TCL का जो UI है उसको भी अपग्रेड किया गया है। यहाँ पे ऐसा TCL कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पे UI जो है TCL चैनल 3.0, तो यहां पे UI को भी अच्छी तरह से इंप्रूव करके एज अ यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा इस टीवी में। और पार्टनरशिप के मामले में गूगल के साथ ही साथ TCL ने पार्टनरशिप की है एयर कंसोल के साथ, जहां पे आपको बहुत सारे गेम्स के जो एप्स होते हैं इसी टीवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो यहां पे आप गेमिंग के लिए भी इस टीवी को यूज कर पाओगे क्योंकि आपको बहुत सारे गेम्स आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ यहां पे पांचवी हाईलाइट होगी इस टीवी की, यहां पे आपको इस टीवी में 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी देखने को मिलने वाली है। तो एक्सटेंडेड वारंटी तो आप दे रहे हो, लेकिन उस पर कब तक वो उसका टाइमिंग क्या है, लिमिटेड टाइम ऑफर तो लिखा गया है, तो आप समझ लो 1-1.5 महीने के अगर अंदर आपने ये टीवी नहीं खरीदी तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव मामला है। एक लास्ट हाईलाइट होगी इस टीवी की, यहाँ पे जो
पिक्चर इंजन है AIPQ इंजन दिया गया है जो पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, अपस्केलिंग में भी काम करेगा। इसी के साथ ही जो कलर्स हो गए काफ़ी आपको बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा TCL वाले कह रहे हैं। तो ये कुछ खास हाईलाइट होगी इस टीवी के बारे में। और अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इस टीवी में पैनल कौन सा है, बैकलाइटिंग सोर्स कितनी कौन सी दी गई है, इसी के साथ ही ब्राइटनेस कितनी है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो कितना है, ये इन्फॉर्मेशन TCL ने नहीं बताई। लॉन्च इवेंट देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हाई ऊपर ना वो टैग में लिख दे, बैनर पे ही लिख देना चाहिए था, स्पेसिफिकेशन ब्रैकेट में नहीं बताना है, क्योंकि यार यहाँ पे एक इंडियन कंज्यूमर के लिए आप सारी चीज़ें ओपन आउट करके अगर आप बताओगे तो शायद एक डिसीजन लेने के लिए आसानी होगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये TCL का पहला इवेंट नहीं है, ये पहले भी वो ऐसे करते आ रहे हैं। शायद हमारे एक इस वीडियो के माध्यम से अगर वो कोई भी ये वीडियो देख रहा है TCL के टीम का, तो भाई इस चीज़ को आप शेयर कीजिए, एक इंडियन कंज्यूमर के लिए डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी तक लीकआउट नहीं हुई है या फिर उन्होंने अनाउंस नहीं किए, जैसे भी मालूम पड़ेगी मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट तो कर ही दूंगा। और इसी के साथ ही साथ अब सवाल उठता है कि क्या ये टीवी आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो अगर मैं टीवी की प्राइसिंग को देखूं तो यहां पे भाई प्राइसिंग यार इतनी ज्यादा है, मतलब कि एक TCL एक बजट ब्रांड है और बजट ब्रांड होने के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक टीवी बजट के अंदर हो। मतलब 43 इंच की टीवी अगर आपको मिल रही है 42,000 के आसपास, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इससे अच्छा है एक बजट ब्रांड, एक चाइनीज ब्रांड लेने से अच्छा मैं एक सैमसंग सोनी LG की टीवी क्यों ना लो। तो इससे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस टीवी को, बाकी आपका डिसीजन आपके ऊपर मैं फाइनल कॉल रखता हूं कि आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए। बट मैं ये टीवी रिकमेंड नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस आप TCL के फैन हो, आपको वीडियो कॉलिंग के फीचर चाहिए या फिर आपको भाई बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करने का मूड है। तो यहां पे डिसीजन मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं। बाकी आपका क्या मानना है इस टीवी सीरीज के बारे में मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं आपके थॉट्स जानने के लिए, तो कमेंट्स जरूर कीजिए। इसी के साथ ही साथ ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो भाई, लाइक करोगे तभी तो हमें खुशी मिलेगी कि भाई हमारी फैमिली की जो सपोर्ट है वो दुगनी होती जा रही है दिन ब दिन। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय।